वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला इस वबा से हमें बचा के रखे। ये जो हमारे पूरी दुनिया में आ गया हुआ है, अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे, आमीन। आज मेरे किचन में बन रहा है करेले, भरे हुए करेले चिकन के कीमे के। ठीक है, मैं आपसे आज ये शेयर कर रही हूँ, आप जरूर देखिएगा। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये प्याज, एक बड़ा प्याज मैंने चॉप कर लिया, आमलेट कट। ऑयल पहले से गर्म कर लिया, थोड़ा सा ऑयल डाला था, ज़्यादा नहीं ऑयल जाना इसमें, क्योंकि आप 3-4 चम्मच लगा दें बस। ये प्याज, ओके, प्याज को करेंगे फ्राई, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट इसका कलर हो जाए। फिर ठीक है, इसका कलर ज़रा चेंज होता, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, प्याज का इस कलर का हो गया। मैं इसमें ये मैंने जो करेले मैंने छीले थे इसके छिलके हैं, इसको मैंने नमक और हल्दी लगा के 1 घंटा रखा, उसके बाद धोया, धो के इसको अच्छी तरह मैंने निचोड़ लिया। ये देखें, अच्छी तरह निचोड़ लिया, ये खुश्क है। अब ये मैं इसमें डालूँगी प्याज में, ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो बहुत अच्छा इसमें आता है फ्लेवर, क्योंकि इसकी करवाहट जो है ना वो हल्दी से चली गई है। हल्दी और नमक, हल्दी आप ज़रूर लगाएं, इससे जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ऑयल कम लग रहा है तो थोड़ा और डाल लें। वो तो आप लोग जब कुकिंग करते हैं तो अंदाज़ा हो ही जाता है, इसमें ये कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल लें। वैसे ऑयल कम ही खाना चाहिए, मैं बहुत कम डालती हूँ अपने खाने में, ज़रूरत हो तो बस, अदर ऐसे अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि मेरे ऊपर ऑयल तैर रहा है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खानों में, क्योंकि यही मज़े है कि सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं गर्मियों में। अब देखें इसका, ये छिलकों का कलर चेंज हो गया, फ्राई हो गए हैं ये, इसमें पानी नहीं रहा, पानी इसका सुखाना है ताकि वो कड़वे ना हो। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच भर के, 3 हरी मिर्च, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, आधा किलो कीमा, लहसुन थोड़ा फ्राई हो गया, फिर ये मैंने कीमा डाल दिया सारा। ठीक है, चेक करें चिकन का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी सारे मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चुटकी भर के कलवंजी, 1/2 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच सफ़ेद जीरा पाउडर। ठीक है, ये सब चले जाएंगे इसमें। इसको मिक्स करके चले, अब इसको थोड़ा दम पे रखती हूँ मैं, ये जब पक जाएगा फिर इसको ठंडा करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, कीमा भुन गया और इसका पानी भी खुश्क हो गया, अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठीक है, फिर मैं करेलों में भरते हुए आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें, मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ कि जल्दी ठंडा हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। कीमा इसमें जो बच जाएगा वो जो मसाला बनाऊंगी उसमें डालूंगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके साथ मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म नान, लहसुन और धनिया वाले, बहुत मज़े के घर में नान बनाऊंगी। पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन अब मैं आपको ये दूसरी रेसिपी है और तरीके के बनेंगे। ठीक है, ये देखें, 5 कप मैदा,
तीन चम्मच दही, एक चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी और एक चम्मच सोडा, छोटा वाला चम्मच मीठा सोडा, ठीक है। चलो आइए पहले कुछ चीज़ें मैं अंदर डाल देती हूँ ऐसे करके। ठीक है, ये दही और एक चम्मच ऑयल, एक चम्मच भर के ऑयल का, ठीक है, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मिक्स करके अब इसको नीम गर्म पानी से मैं गूंद लूँगी, फिर इसको कवर करके एक घंटे के लिए रखेंगे, क्योंकि इसमें ईस्ट ही डाला, ईस्ट से ज़रा दो घंटे हमें उसको रेस्ट देना पड़ता है उसके डबल होने के लिए, इसलिए मैं इसको, इसमें दही है और सोडा है, बेकिंग सोडा जो होता है मीठा सोडा। ठीक है, अब ये मैं इसमें डाल के अब इसको गूंद लेती हूँ। ये नीम गर्म पानी है मेरे पास। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैं इसका आटा गूंद रही हूँ और इसमें एंड में थोड़ा सा ऑयल इस पर डालेंगे। ठीक है, सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। ठीक है, अब इसको तकरीबन एक घंटे के लिए रख लेंगे। आटा हो गया, अब इसको कवर करके मैं इसको रख देती हूँ, फिर एक घंटे पर चेक कर लेंगे तो क्या हालात हैं इसके। ठीक है, अब इसको, अब मैं वो उतनी देर वॉच करना, कीमा भी ठंडा हो जाए, फिर मैं आपको भरने के लिए तरीका बताऊंगी। सही है, करेले मैंने धो के नमक और हल्दी, ये देखिए इसका येलो कलर हुआ है, नमक और हल्दी लगा के इसको अच्छी तरह मैंने निचोड़ लिया, निचोड़ के इसको खुश कर लिया, अब बिल्कुल खुश्क है। इस खुश करके अब मैं इसको, मैंने क्या किया, एक पानी को बॉईल किया हल्का सा, जब बॉईल हो गया एक वाले में ये मैंने डाला और फिर निकाल लिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। वैसे हल्दी और नमक लगा के मैंने एक दो घंटे से रखा था, फिर निचोड़ लिया, फिर धो लिया, फिर एक उबाला देके इसको मैंने वो कर लिया। अब मैं इसमें कीमा, ये देखिए कीमा अब ठंडा हो गया, अब ये मैं इसमें भर रही हूँ। ठीक है, जितना ही इसमें ज़रूरत है उतना डालें, और एक टिप मैं आपको ये भी दूंगी, वो ये टिप है कि इस पर जब धागा लपेटें तो धागा वाइट होना चाहिए, कलर वाला धागा बिल्कुल ना आप लगाएं, क्योंकि कलर वाला धागा कलर छूट सकता है उसका और तो वो बुरा लगेगा। रेड है, जैसे पिंक है, ग्रीन है, ये देखिए ये वाइट धागा, ये वाइट धागा बनना है, ऊपर लपेटना है इसके। ठीक है, नीचे प्लेट रखें ताकि वो कीमा गिरे तो उसी में गिरे। चूल्हा मैंने पहले से फ्लेम रखा हुआ है, गर्म चलाया हुआ है और ऊपर पैन रखा हुआ है। ये मैं एक एक करके डाल दूँगा, स्लो फ्लेम में बनाना है ताकि वो कच्चा ना रह जाए। अब ये दूसरा ऐसे मैंने उठाया, ये धागा अब एक एक करके मैं सारे बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नान का जो आटा था ये हो गया, अब नान बनाना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने पानी रखा है, इससे पानी लगेगा, और ये धनिया और लहसुन इसको मैंने काट लिया, और ये इस पर लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। पहले भी आपके साथ मैंने शेयर की थी, ये थोड़ा चेंज है, ये भी बहुत अच्छे बनते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से एक पेड़ा उठाया,
उठाया, थोड़ा सा ये मैदा डस्ट किया, ठीक है, इसको थोड़ा बेलेंगे। मैदा आपको कम लगे और डालते जाए ताकि ये नीचे चिपके ना, ठीक है। थोड़ा मोटा रखना है, ये देखिए थोड़ा मोटा है साइडों से, इतना ज़्यादा रोटी की तरह पतला नहीं करना हमने इसको। अब कुछ के करेंगे साइड पे, ये मैंने नीचे थोड़ा सा वो डाला धनिया और लहसुन, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ये इसके ऊपर रखूँगी मैं ऐसे, फिर इसको बेलेंगे थोड़ा सा, ठीक है, बेल देंगे ताकि वो चिपक जाए। और इस साइड पे लगाऊंगी मैं पानी ब्रश के साथ, चारों तरफ अच्छी तरह पानी लग जाए। फिर ये वाली साइड मैं तवे पे डालूंगी, तवा पहले से मैंने गरम कर लिया, नॉन स्टिक नहीं, दूसरा जो हमारा देसी तवे होते हैं वो। ये पानी ब्रश से ज़रा चारों तरफ लग जाता है और फिर वो गिरता नहीं है नान, ठीक है। ये वाली साइड डालेंगे पानी वाली साइड, इसको ऐसे हाथों से चिपका दे, ठीक है। हाथों से चिपक गया, फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर लें, पहले तेज़ था फिर मैंने हल्का किया, अब इसमें बबल आ जाएंगे तो फिर इसको उल्टा करेंगे। अब मैं दूसरा बना लेती हूँ, ठीक है, दूसरा पेड़ उठाया, इसमें बबल आ जाएंगे फिर मैं इसको उल्टा कर दूँगी। अब मैं इसको दूसरा बेल रही हूँ, अब इसको रखेंगे इसके नीचे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें बबल आ रहे हैं, ये देखिए आप बबल चेक करें, बबल आ रहे हैं। अब मैं इसको टर्न करूँगी, फ्लेम को तेज़ कर लेंगे और इसको करूँगी टर्न, टर्न करके इसकी सेक लगाएंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था, अब ये देखें करेले फ्राई हो गए, ये देखें फ्राई करके ये धागा आपको नज़र आ रहा है, ये हो गया एक साइड पे। अब इसका मसाला बनाएंगे, ऑयल पहले से मैंने गरम कर लिया, ये चार बड़े प्याज हैं, इसमें प्याज ज़्यादा जाएगा इसलिए कि प्याज से मीठा होता है और कड़वाहट इसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये देखें प्याज का कलर ये चेंज हो गया। अब इसमें इस पॉइंट पे मैं डालूंगी लहसुन अदरक पेस्ट सिर्फ एक चम्मच, क्योंकि वो कीमे में भी पहले डाल चुका हुआ है, ये प्याज के लिए डालेंगे,
है, तो इसको करेंगे फ्राई। ठीक है, अब ये मसाले, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक। ठीक है, बाकी सारे मसाले मैं कीमे में डाल चुकी हूँ, वो आपको दिखाया था मैंने। मसाला मिक्स होगा और अब डालनी है टमाटर। ये चार बड़े टमाटर थे, मैंने काट लिए, अब ये इसमें डालेंगे। फ्लेम को स्लो करूंगी और चल, ये देखें, अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये करेले, ये हमारा कीमा, ये देखें, नान आप चेक करें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखें कैसा ज़बरदस्त लग रहे हैं, मैंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करें तो चीज़ भी अच्छी बनती है, उसके साथ इसका मज़ा ही लग गया है। ये देखें कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं ना, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।